अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है तकरीबन। मैं बहुत अर्ली उठ जाती हूँ, 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। तो उसके बाद ये होता है कि मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ, जो कि बहुत बाबरकत होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आज जो है हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आप लोगों को थैंक यू, पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ इतने पर्सनल इश्यूज़ शेयर करते हैं, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आप लोग इवन ख़ुद मुझे बताते हैं कि इस चीज़ पर बात करें, इस चीज़ पर बात करें। तो आज जो है वो मैंने वो टॉपिक निकाला जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो है मेंटल हेल्थ। ठीक है, स्पेशली ख्वातीन की मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देर आर लाइक अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हम इस सारे ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, इस सारी चीज़ों में से गुजर रहे हैं, और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। हम समझते हैं बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, लेजी होते हैं। ये अब मैं आपको मेन सही पॉइंट्स बताऊंगी कि ये पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपको, आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे हैं तो उसको आप कोप करना भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस पे काबू पा सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस बारे में हमने बहुत बात की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना रीज़न है, या ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं कि आप उसमें क्या होता है, आपका दिल नहीं चाहता कुछ करने का, आप होपलेस फील करते हैं, आपको जो है ना लेज़ी फील करते हैं, आपको लगता है बस मैं ये काम कर ही नहीं सकती। और एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको क्या होता है कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं शदीद किस्म के, और आपको ना किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, किसी कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, आपको फील होता है कि जी बस ये जो मेरे साथ इश्यूज चल रहे हैं, जो कि अभी चल रहे हैं, बस ये मेरी, बस इसके बाद मेरा दिल ही नहीं है कि मैं कोई काम करूं या किसी से बात करूं। हम जो है आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो ये तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो है ना वो मेंटल हेल्थ इशू है, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन 50% से ऊपर ख्वातीन को होता ही होता है, लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है। नेक्स्ट इशू इज ईटिंग डिसऑर्डर। हम इसे एक नॉर्मल चीज समझते हैं कि जी हम आजकल ज़्यादा खा रहे हैं, वो असल में जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या हम एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं या हमारा मूड स्विंग्स हैं, कुछ भी है, तो हमने भूख लगना शुरू हो जाती है, हम किचन में जाके फ्रिज के अंदर चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम खाते रहते हैं, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। असल में वो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें इतनी शदीद किस्म की, हम डिप्रेस्ड होते हैं कि हमें और कुछ समझ नहीं आती, तो हमें खाना खाने से ना कम्फर्ट ढूंढते हैं अपने आप में। सो eating disorder is not a normal thing, it comes in mental illness। ठीक है, ये बात याद रखें कि अगर आप आउट ऑफ द वे जाके खा रहे हैं, मतलब नॉर्मल आप 3 वक्त खाना खा रहे हैं, 2 वक्त खा रहे हैं, बट उसमें आप स्नैकिंग करना शुरू कर देते हैं, आप पकाना शुरू कर देते हैं, आप खाना शुरू कर देते हैं, सो दैट थिंग इज मेंटल हेल्थ इशू। सो जैसे जैसे मैंने आपको बताया ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि बे वक्त खाना और बे वजह खाना और बहुत ज़्यादा खाना, सो दैट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर। मे बी इसमें ये भी हो सकता है कि ईटिंग डिसऑर्डर में सिर्फ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना, ईटिंग डिसऑर्डर में ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल भूख मिट जाए, ख़त्म, आपका बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं चाहे, दैट इज़ ऑल्सो कम्स इन, ये भी ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। तो ये भी एक मेंटल इलनेस ही है। नेक्स्ट इज बेबी पैदा हुआ, हम बड़े खुश होते हैं, प्रेगनेंसी बड़ी प्यारी सी गुजार दी, खुशी गुजार दी, बट यू नो आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, पहले आपकी कोई बच्चे पहले नहीं थे, आप एक इंडिविजुअल लाइफ गुजार रही थी, ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर एक पूरे बेबी की जिम्मेदारी आ गई। ठीक है, अब वो बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, अगर वो भूखा भी है तो आपने उसको खिलाना है, अगर उसने पॉटी की हुई है आपने उसको साफ करना है, अगर वो रो रहा है तो आपने उसको कंफर्ट करना है। तो ये होता ये है कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह माँ को देता है। और उसके बाद क्या होता है कि ख्वातीन पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, और उसमें उनको समझ नहीं आता, वो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, और उनका जो है ना वो किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, एंड इट कम्स इन मेंटल इलनेस। ठीक है, तो इसका आपने कोप करना है, मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह करना है। तो ये भी एक मेंटल इशू ही है।
मीनोपॉज ये होता है कि ये आपके ऑफ कोर्स ये लेट एज में होता है 50-60s में जब आपके पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो वो तो एक फिजिकल इशू है ना, लेकिन उसका असर ये होता है कि आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं आपका जो है आप मीन्स कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, कोई चीज़ एकदम आपको फ्लेयर अप कर देगी, आपको गुस्सा दिला देगी, तो वो भी एक जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें भी आप एक मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं। तो ये भी एक इशू है जो कि आपके साथ हो रहा होता है अगर आप लेट एज में और आपको मीनोपॉज स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मेंटल इशू इज ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा जैसे वो उसका पीरियड टाइम पीरियड बहुत लंबा सा होता है, वो एक जैसे आप एक टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं और उसमें आप अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं, आपको एंग्जाइटी भी हो रही है, आपको डिप्रेशन भी हो रही है, तो वो एक लंबा सा एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमा। वो एक साल का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको जैसे मतलब कोई को बंदा टॉर्चर कर रहा है आपको मेंटली, तो वो एक ट्रॉमा में से जो कहते हैं ना गुजर रहे हैं, तो वो ट्रॉमा जो होता है ना वो एक लंबा टाइम पीरियड हो सकता है, उसमें आपको बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, वो आपके हेल्थ को ना फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मे बी यू विल फेस द किडनी इश्यूज, क्योंकि जब आप बहुत अपसेट होते हैं एक ट्रॉमा से गुजर होते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट होती है ना चीज़ वो होती है आपकी किडनीज। सो दैट इज ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि आपको फिजिकल बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट इज बॉडी इमेज एंड सेल्फ इस्टीम। कुछ लोगों को होता है कि जैसे आपने बच्चा आपके बेबी पैदा हो गए तो आपकी वो फिजीक नहीं रहती जो कि शादी से पहले थी या बच्चे पैदा होने से पहले थी, तो वो ना थोड़े से डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि जी हम जो है वैसे नहीं रहे, और हम सारा वो सारे दिन ये सोचते रहते हैं कि हम पे कपड़े अभी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये मोस्टली होता है कि जब आपके बेबीज हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं वेट, तो उसकी वजह क्या होती है, हम सारा जंक खाना शुरू कर देते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बाद अगर बेबी को भी खिला रहे हैं या छोटे बच्चे भी हैं आपके, तब भी हम उनका लेफ्ट ओवर खाना खाना शुरू कर देते हैं। और फिर ये होता है कि जब आपकी बॉडी डी शेप हो जाती है ना, तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि मैं प्यारी नहीं लग रही, मुझ पे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आप कैसे इन सारी इश्यूज से कोप करेंगे। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वॉयलेंस। डोमेस्टिक वॉयलेंस जिस घर में होता है उसमें दूसरा बंदा तो जो भी वॉयलेंस करके तो वो चला जाता है, तो फिजिकल अगर आपके साथ कोई डोमेस्टिक वॉयलेंस हो रहा है तो वो आपको मेंटल इश्यूज क्रिएट कर देता है आप में, आपको आपकी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता, आप आइसोलेशन आपको अच्छी लगती है मतलब अकेले रहना, और आपको नाउमीदी होने लगती है। तो ये जो है ना ये डोमेस्टिक वॉयलेंस आपकी सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस। ये मोस्टली ख़वातीन का मुझे ये फील होता है कि एक तो वो बाहर जॉब करती हैं और फिर घर आने के बाद घर के काम भी करती हैं, हालांकि जो मर्द हजरात होते हैं वो सिर्फ बाहर के काम करते हैं और घर आके वो नहीं करते। पाकिस्तान में बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, बहुत ही कम रेयरली मैंने सुना होगा, मैंने तो खैर कभी नहीं सुना कि कोई हस्बैंड घर आके तो वो घर में बीवी के साथ हाथ बटा रहा हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में अगर औरत जॉब कर रही है ना तो वो बाहर की भी करेगी और वो घर आने के बाद भी जो है ना वो काम करती है, ठीक है ना, तो वो उसको डबल फेस करना पड़ता है। और उससे वो क्या होता है कि समटाइम्स उसको घर के इतने काम करने पड़ते हैं कि उसको फील होता है कि मैं अपने वर्क पे जो बैलेंस करना है ना मुझे, क्योंकि देखिए जॉब करना आसान काम नहीं है बाहर जाके स्पेशली, तो जब आप बाहर जॉब कर रहे होते हैं ना तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कॉपी चेकिंग होती है, जैसे मसलन एग्जाम्स के पेपर चेकिंग होती है, और वो फिर आजकल तो वो स्कूल्स जो है ना वो तो कहते हैं कि यहीं बैठ के करें, या आप बैंक में जॉब करें तो वो तो इतने ही खच्चल खुआरी वाला काम है। अब उसके बाद जब आप घर आके फिजिकल काम अपने घर के भी करेंगे तो आपको ना बैलेंसिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो जो खवातीन, मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनके उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए, मतलब एक दिन अचानक मैंने कुछ देना था आई थिंक, तो वो जॉब करती थी, तो मैं उनके घर गई और मुझे वो चीज़ पकड़ानी थी, तो उनकी मदर इन लॉ ने मुझे कहा वो तो घूमने गई हुई है, एंड आई वाज लाइक वो बेचारी जॉब करने गई है बट वो घूमने गई हुई है। सो ये जो बैलेंस आप नहीं कर पाते ना, इस ये भी आपको बहुत से मेंटल इश्यूज देना शुरू कर देता है। हाँ जी, सो लेट्स टॉक अबाउट कि अब हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे कोप करेंगे। देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस के लिए ना, वैसे तो आप अपने माइंड को, मैंने इस बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, पिन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो सारे आप नहीं कर सकते ना तो देन आपको प्रोफेशनल सीख होनी चाहिए, नीड, ठीक है, मतलब आपको प्रोफेशनल नीड क्या मतलब, सीख प्रोफेशनल हेल्प, आपको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और अगर वो पहले तो वो आपसे बात करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं,
और अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है मेडिकेशन, ठीक है, फिर वो आपको कोई मेडिसिन दे देंगे ज़हनी सुकून देने के लिए, ताकि आप वो लें और आप जिस मेंटल इशू से गुजर रहे हैं वो मेंटल इशू वहीं पर जो है ना ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट इस तरह है कि आप का बहुत दिल घबराता है या बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है, आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया है कि वो टाइम पीरियड हो सकता है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा होगा मेंटली, तो आपने आप किसी से बात कर लें जो कि आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, ट्रस्टवर्दी बहन है, या कोई भी पर्सन जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी, उनसे बात करें। मे बी वो आपको कोई सोल्यूशन निकाल के दें, मे बी वो आपको इस ट्रॉमा से निकालें, वो आपसे बात करें, आपका दिल खुश करें, ताकि आप इस जो एक मुश्किल टाइम से गुजरे ना, तो आप का वो टाइम जो है ना वो आसान बना दे। सो ट्राई टू टॉक टू द पीपल हु कैन हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। मैंने आपको बताया सेल्फ केयर किस तरह करते हैं, तो ये सेल्फ केयर मैं कहती हूँ इतना ज़रूरी है ना, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, अपने मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए डू वट एवर यू कैन डू। जब आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, बिलीव मी आपका घर सुकून में होगा, आपके बच्चे क्योंकि वो डिपेंड करते हैं आप पे, वो और किसी पर डिपेंड नहीं करते, नॉट इवन इन योर ऑन योर हस्बैंड, आपकी ससुराल नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं, आपकी बहनें नहीं, किसी पे नहीं, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ना आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये बात याद रखिए, कोई खुदगर्जी नहीं, अगर आप अपने आप को अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपना ख्याल रख रही हैं। नेक्स्ट इज जैसे आप जॉब कर रही हैं ना, वापस आके आपने ये नहीं सोचना कि मैंने आज घर के सारे काम भी कर लेने, कुकिंग भी कर लेनी, फलां भी कर लेना, नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि रियलिस्टिक गोल्स रखिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए, अपने काम को बांट लें, आज मैंने ये कमरा करना है, आज मैंने वो कमरा करना है, आज मैंने खाने में जो चीज़ बनानी मैंने 2 दिन की पका लेनी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 दिन का खाना बना लेते हैं, दो घर वाले खा लेंगे, आप दो दिन का खाना बना लें और अपने कामों को बांट लेंगे, कल मैं जब खाना पका हुआ होगा तो मैं ये सारे काम कर लूंगी कल। तो ये बेस्ट है कि आप अपने कामों को ना इस तरह से बांट लें, उनको छोटा छोटा, मींस उसको गोल्स जो है ना अपने, उनको रियलिस्टिक रखें, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े गोल्स मत रखा करें। दूसरा ये कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, इफ़ यू लाइक मूवीज वॉच मूवीज, इफ़ यू लाइक म्यूजिक आप म्यूजिक सुन लें, आप तो कहेंगे कि म्यूजिक हराम है, मूवीज देख लें, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत से ऑडियंस मुसलमान नहीं है, बहुत से इंडियंस हैं, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत बोला था तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम ये नहीं कर सकते, तो हमें कोई और तरीका बता दें। तो जितने भी खवातीन हैं, इट इज फॉर एवरी वुमेन, जो सारी दुनिया की खवातीन है ना, इट्स फॉर एवरी वन। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है वो कर लें, मुझे मूवीज अच्छी लगती है, मैं रात को सीरियसली आजकल मैं देख रही हूँ द कार्डेशियंस, मैंने वो स्टार्ट किया हुआ, तो रात को मैं एक आध एपिसोड जरूर देख लेती हूँ उसका, और मुझे बड़े खुश अच्छा लगता है, आई रियली लाइक देम द वे दे कैरी देम सेल्फ, द वे दे टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, उनको भी बहुत से इश्यूज होते हैं, तो ये होता है कि आप उनको देख के इंस्पिरेशन कर सकते हैं कि देखिए आप उन्होंने भी इतनी डिप्रेशन वाली लाइफ से अपने आप को निकाला ही हुआ है ना, वो सोशल मीडिया पे हैं, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पे अगर ना भी हैं ना, तो इस तरह से इश्यूज से आप भी फाइट कर सकते हैं। तो अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए मूवीज देख लें, सीजंस देख लें, जो आपका दिल आता है वो कर लें। फिर है कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लें, आप क्रॉस स्टिचिंग कर लें। मैं मुझे याद है कि मेरी जब पहला बेटा नहीं पैदा हुआ था, सो मैं एक ट्रॉमा से गुजर रही थी उन दिनों में, एंड मैंने क्या किया कि मैंने क्रॉस स्टिच वाली बुक लेकर आई, और मैंने एक क्रॉस स्टिच के मैंने इतने अपने घर के, मेरे अभी भी वो फ्रेम्स पड़े हुए हैं, मैंने इतने ढेर सारे फ्रेम्स बना लिए थे अपने लिए और अपने घर के लिए, क्योंकि आपका माइंड ना कहीं और जाना शुरू हो जाता है, आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेट योरसेल्फ, पढ़ाई करें, रीड करें कि क्या प्रॉब्लम इश्यूज आपके साथ चल रहे हैं, उसको किस तरह से मैंने कोप करना है, उसके लिए आप पढ़ाई करें। पढ़ाई मतलब ये कि आप रीड करें, लाइक माय मदर इन लॉ शी नेवर लेट्स यू कि आपको पता हो कि आपकी सब प्रॉब्लम क्या है, वो उनको होता है कि नहीं जी आप इग्नोरेंस वाली होनी चाहिए, कि जी आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आपके साथ क्या है, अगर आप जानना भी चाह रहे हैं तो वो आपको मना कर देती हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, आप उसको रीड करें, उसको कोप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टे पॉजिटिव एंड मेक अ रूटीन। ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर की है कि अपनी एक रूटीन बनाएं एंड पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करें। इन सारी चीज़ों पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप लोग उन सबको देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज
ये पता चल गया होगा कि कौन कौन से हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनको हम किस तरह से कोप कर सकते हैं। हाँ जी, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द व्लॉग। आज मैं सुबह उठ गई थी और फिर नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद मैंने अपने काफ़ी काम कर लिए थे और आज मेरी अम्मी ने जाना था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मींस जो बाकी व्लॉग आपने देखा है वो एक दिन पहले का है और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। और ये मैं अपनी अम्मी को लेकर गई थी, मींस वो चली गई हैं, और क्योंकि मेरी बहन के बेटे का वलीमा था तो वो चली गई हैं वापस क्वेटा, तो हम उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए हुए थे। और बस सारा दिन मेरा कामों पे लग जाता है और बस अपसेट भी थी मैं क्योंकि मेरी अम्मी जा रही थी, बट ये था कि मुझे था कि चलो वो जा रही हैं। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने काम अपने भाई की शादी के लिए जो शॉपिंग वगैरह करवानी थी वो मैंने सारी कर दी थी, और बहुत सा ऐसा सामान था जो कि मैं हमने बाय कोच भिजवा दिया था क्वेटा, क्योंकि वो जहाज़ में नहीं जा सकता था, तो वो एक आध दिन पहले जो है वो बाइक कोच हमने क्वेटा भिजवा ही दिया था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे बच्चों को भी। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, एंड दुआ में मुझे याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।